بسم الله الرحمن الرحيم. ये 14 यूनिट है भाई माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर, कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि इसका आर्किटेक्चर कैसा रहता, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैसे रहते, एक्सटर्नल मेमोरी इसके साथ कैसा कनेक्ट करेंगे, उसके फिर इंस्ट्रक्शन सेट्स है, उसी तरह फिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले 8051 के बेसिक्स देखेंगे कि उसके फीचर्स वगैरह क्या है। ये इसके कुछ फीचर्स लिखा हुआ है कि ये 20 मेगाहर्ट्ज़ इसकी क्लॉक स्पीड है, यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ पे ये काम करता। तो ये क्लॉक स्पीड है क्या? क्लॉक स्पीड यानी इसका जो इसकी जो स्पीड है वो कैसा डिटरमाइन करते हैं, मालूम है अपने को? टी इज इक्वल्स टू 1/f बोलते अपन। तो 1/f अगर करें हम लोग तो 1/20 मेगाहर्ट्ज़। तो ये जो टाइम लेंगे उन्हें उतने टाइम में इसको इसकी ये माइक्रो कंट्रोलर उतनी तेज़ काम करता है, यानी मैक्सिमम इसकी स्पीड अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ है, इससे कम भी रह सकती है, यानी 2 5 मेगाहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़, 2 मेगाहर्ट्ज़, जितनी अपन मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह ये 8-बिट CPU है, 8-बिट CPU, क्योंकि ये सिर्फ 8 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, 8 बिट्स को। और फिर इसके अंदर 8-बिट स्टैक पॉइंटर है और 8-बिट प्रोग्राम स्टेटस फॉर रजिस्टर है। ये रजिस्टर से पूरे 8-बिट स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, 8-बिट प्रोग्राम स्टेटस फॉर रजिस्टर और 16-बिट DPTR डेटा पॉइंटर रजिस्टर है। ये 16-बिट है। आप सोच रहे होंगे कि ना ये 8-बिट प्रोसेसर है लेकिन 16-बिट रजिस्टर को कैसा प्रोसेस करेंगे? तो जिस तरह उन्होंने टाइमर के बारे में देखे थे कि टाइमर 0 और टाइमर 1 को 2 टुकड़े कर दिए थे, हायर बिट्स और लोअर बिट्स, उसी तरह ये DPTR को भी 2 टुकड़े कर देते हैं। ये 16-बिट PC का ये प्रोग्राम काउंटर है, PC प्रोग्राम काउंटर है, तो इसके भी वैसे ही दो दो टुकड़े हो जाते हैं, 8-बिट 8-बिट, मतलब MSB और LSB में 2 में टुकड़े कर देते हैं इसके। अब इसके अंदर उसी तरह 2 16-बिट टाइमर्स हैं, T0 T1, इसके बारे में देख लिए। और इसकी रैम, इसकी इंटरनल रैम 128 बाइट्स है और इंटरनल रोम या EEPROM इसकी 4 KB है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर प्रोग्राम वगैरह जो कोड लिखते हैं हम लोग वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोर होता पूरा, और जब प्रोसेस होता तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी काम होता रहता वो पूरा ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता। तो इसके अंदर 4 8-बिट पोर्ट्स है, पोर्ट्स यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो 8-बिट पोर्ट्स यानी 4 8-बिट पोर्ट्स है, तो इसका मतलब 4 × 8 कितना होगा? 24। तो 24 IO पिन्स है इसके अंदर, इनपुट आउटपुट पिन्स इसके अंदर 24 है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे 24 लगा सकते हैं। और 8-बिट पावर कंट्रोल रजिस्टर है, PCON। उसी तरह 2 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल इंटरप्ट्स हैं, इसके बारे में भी पढ़ लिया हम लोग, हमने बोला इसके बारे में देखे थे कैसा था। अब इसके अंदर इसके ये तो फीचर्स के बारे में देखे क्या ना, इसके 12 फीचर्स देखे अभी, और कुछ फीचर्स भी हैं लेकिन काफ़ी है इतने। अब इसका ये पिन डायग्राम है, 40-पिन IC है ये, पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक। पोर्ट 1 है, जैसा बोले अभी 4 पोर्ट्स है इसके अंदर 8-बिट के, तो इसी तरह पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक एक पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.1, पोर्ट 1.2, उसी तरह पूरा पोर्ट 1.7 तक, ये पोर्ट एक पोर्ट हो गया। उसी तरह दूसरा पोर्ट इसका इधर है, P0.0, P0.1, उसी तरह P0 से पूरा P0.7 तक के, पिन नंबर 32 तक है ये। इसके साथ एड्रेस और डेटा दोनों अटैच हैं, मतलब ये एड्रेस लाइन और डेटा लाइन दोनों अटैच है इसके साथ, AD0 से पूरा AD7 तक। इसके अंदर ये क्योंकि 8-बिट प्रोसेसर है तो इसके अंदर D0 से D7 तक, यानी डेटा के 8 बिट्स है, डेटा 8 बिट्स है और एड्रेस 16 बिट है। ये एड्रेस का ये ए, उसका कंटिन्यूएशन बाकी का यहाँ पर है, ये A7 तक आ गया था, A8 A9 A10 A11 A12 से लेकर पूरा A15 तक। तो ये एड्रेस और डेटा के बारे में होगा, एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्सड है इसके अंदर, तो वो कैसा है वो बाद में देखेंगे। और ये इधर पोर्ट 2 है इसका, पोर्ट 2.0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह फिर पोर्ट 3 इसका इधर है, पोर्ट 3.0, पिन नंबर 10 से शुरू हो रहा, तो पूरा पिन नंबर 17 तक के इसके 8 पिन्स हैं।
इसके साथ फिर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये TXD, TXD मतलब ट्रांसमीटर, सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इसको, ट्रांसमीटर। इसी तरह RXD, रिसीवर, ये ट्रांसमीटर ये रिसीवर सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होता। उसी तरह ये INT 0, INT 1, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1। एक्सटर्नल इंटरप्ट दो है बोले ना, ये तो ये दो पिन उसी के हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के। ये टाइमर 0 की पिन है, ये टाइमर 1 की पिन है, ये WR बार है और ये रीड बार है। ये जब एक्सटर्नल मेमोरीज लगाते हैं हम लोग, एक्सटर्नल मेमोरीज के साथ जब लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे वो कैसा करते हैं, तो वो उसके लिए यूज़ होता है ये WR बार और RD बार। ये रीसेट, तो रीसेट रिस्टार्ट करने के लिए बोला। और ये XTAL 2 और XTAL 1 यानी एक्सटर्नल ऑसिलेटर कनेक्ट करने के लिए है ये ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है, जो इधर ये दे रहे हैं ना हम लोग 20 MHz इसकी जो क्लॉक स्पीड दे रहे हैं, या 8 MHz, 5 MHz जो भी स्पीड दे रहे हैं इसकी, ये ऑसिलेटर के ज़रिए से देते हैं यहाँ से। XTAL 2 और XTAL 1 ये दोनों है ना ऑसिलेटर्स कनेक्ट करने के लिए। ये लास्ट वाला तो ग्राउंड है, और अब बच्चे पिन्स ये EA बार और VPP। उसी तरह ALE और PROG और PSEN। EA बार भी जब हम लोग जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एड्रेस के लिए है, वो एक्सटर्नल जब डिवाइस लगाते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइम के लिए ये EA बार काम आता। उसी तरह VPP भी जब भी काम आता। ALE एड्रेस लैच एनेबल है, और ये PROG है, और ये PSEN प्रोग्राम स्टेटस एनेबल, प्रोग्राम स्टोर तो ये PSEN प्रोग्राम स्टोर एनेबल है। तो ये था इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग पिन के बारे में अलग अलग चीज़ें। तो ये थ्योरी है इसके ऊपर, पढ़ लेना कि जो ना TXD और RXD सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ये इंटरप्ट्स एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए, ये टाइमर 0 टाइमर 1 के लिए, ये एक्सटर्नल मेमोरी जब कनेक्ट करते तो राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, ये एक्सटर्नल ऑसिलेटर्स कनेक्ट करने के लिए। उसी तरह ये भी एक्सटर्नल मेमोरीज जब कनेक्ट करते उस वक्त काम आती है पिन। ये एड्रेस लैच एनेबल और ये PROG और ये प्रोग्राम स्टोर एनेबल पिन है। और ये दूसरे 4 पोर्ट्स हैं इसके, ये VCC है।